एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है हिमानी और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कुछ बातें अपने बेबी शार्क के बारे में। आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी, लाइक हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया था एंड एवरीथिंग। बट फर्स्ट लेट मी टेल यू कि हमने जो सेलिब्रेशन किया था दैट वॉज ऑन 4th of August 2018, जब मेरा 8th month कम्प्लीट हुआ था तब। और हम लोगों ने ये जो सेलिब्रेशन था वो किया था एक होटल में, अपने घर के पास ही होटल था, वहाँ पे किया था। और फोटोग्राफर बुक किया था, केटरर तो होटल का था ही, प्लस गाइस में हमने अपने बिल्कुल क्लोज जो फ्रेंड्स थे, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह थे, फैमिली मेम्बर्स थे और नेबर्स थे, उनको हम लोगों ने इन्विटेशन कार्ड भेजा था, लाइक ऑनलाइन हम लोगों ने ई कार्ड बनाया था और फिर हम लोगों ने व्हाट्सएप पे उसको फॉरवर्ड कर दिया था सबको। आप जितने भी यहाँ पे प्रॉप्स देख रहे हो ये सब मैंने अमेजोन से मंगाए थे और ये सब रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग है, लाइक जो बेबी से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो उनके रिलेशन के अकॉर्डिंग वो लोग इसको पकड़ के फ़ोटो खिंचाते हैं। ये जो आप चांद देख रहे हो, पीछे जितना भी डेकोरेशन देख रहे हो अदर देन दैट टेंट वाला, ये सब मैं हम लोगों ने घर पे किया है, सारा DIY है। और चांद भी इवन हम लोगों ने कार्डबोर्ड कटवा के उस पर स्प्रे पेंट लगा के सब हमने खुद किया था। जितना भी आप डेकोरेशन देखोगे दैट वॉज ऑल आर एफर्ट, हमारे फैमिली मेम्बर्स का, मम्मी का, मेरी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का, मेरे भाई का। और ये जो सेल्फी बोर्ड देख रहे हो दैट इज़ ऑल्सो DIY, हम लोगों ने घर पे कार्डबोर्ड पे और प्लस विद स्पार्कल जो शीट आती है उससे हम लोगों ने बनाया। ये जो प्रॉप्स है दैट ऑल आर फ्रॉम Amazon। तो गाइस सबसे पहले जैसे ही लोग एंटर हो रहे थे, चाहे वो मौसी थी, चाहे बुआ थे, चाहे वट एवर द रिलेशन इज़, हम लोग उनको सबसे पहले लेके जाते थे और उनको बोलते थे कि आप सबसे पहले सेल्फी लाइक सेल्फी बूथ में जाके फ़ोटो खिंचवाइए, फ़ोटो क्लिक करिए। फोटोग्राफर पूरा हम लोगों के साथ फ्लो में चल रहे थे, जितने भी जो जैसे आते जा रहे थे गेस्ट उनसे वो लोग लाइक उनसे उनकी फ़ोटो खींच रहे थे फोटोग्राफर। आप बैकग्राउंड में जितनी डेकोरेशन देख रहे हो वो हम लोगों ने पहले जाके होटल में हम लोगों ने खुद अपने हाथों से सारी डेकोरेशन करी है। अभी आप देख रहे हो दादी नानी दोनों ने कंबाइन होकर फ़ोटो खिंचवाई है और ऐसे ही सारे जितने भी क्लोज मेम्बर्स थे वो सब फ़ोटो खिंचवा रहे थे। उतनी देर में मैं लाइक अपना हम लोग पार्लर गए थे, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ, हम लोग पार्लर में जब तक तैयार हो रहे थे जब तक गेस्ट इकट्ठा हुए और हम लोग काफ़ी लाइक बहुत एक्साइटेड थे बेबी शाह को लेकर। और काफ़ी अच्छा हम लोगों ने मेकअप, मैंने तो मेकअप लाइट कराया था, शिखा ने भी लाइट कराया था, बट शिखा ने अपना आई मेकअप बहुत अच्छा कराया था, मुझको वैसे भी शिखा की आई बहुत पसंद है। मैंने इस समय पे साड़ी पहनी है सिल्क की और लाइक हमारे यहाँ ट्रेडिशन होता है 16 श्रृंगार करने का, तो इस वजह से मैंने साड़ी पहनी थी और पूरा श्रृंगार होता है हमारे यहाँ, वो हुआ था मेरा उसके बाद, इसलिए अदरवाइज़ मैं गाउन पहनने का प्लान कर रही थी, बट उसके बाद मुझे पता चला कि श्रृंगार वगैरह होना है तो आई डिसाइडेड टू वेयर साड़ी। एज़ यू कैन सी इन दिस पिक दादी दादा भी फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ऐसे करके जितने भी क्लोज रिलेशनशिप था हमारा, क्लोज फैमिली मेम्बर्स थे, उन सबने फ़ोटो खिंचाई। और गाइज उसके बाद फिर मेरा टाइम हुआ एंटर करने का। मैं और शिखा हम लोग जैसे थोड़े गेस्ट हमारे कलेक्ट हो गए थे, आके लाइक सेटल डाउन हो गए थे, उसके बाद फिर मेरी एंट्री हुई। मेरी एंट्री होते ही बैकग्राउंड में पीछे डीजे वाले गाने चला रहा था और वो सारे ज़्यादातर ये रिश्ता क्या कहलाता है के गाने थे। उसके बाद फिर मैंने भी अपने जितने भी कज़न्स थे उनके साथ लाइक फ़ोटोग्राफ खिंचवाई स्टिक लेके, ये जो सेल्फी स्टिक है, व्हाटएवर यू वांट टू से, जो प्रॉप है। और इतने ये जो भी देख रहे हो ये मेरी मम्मा के फ्रेंड्स हैं, दे ऑल आर लाइक कोलैबोरेटर और उन्होंने बहुत अच्छे से एंकरिंग होस्ट करा, सब कुछ किया, प्रोग्राम पूरा किया। और गाइस अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ भी फ़ोटो खिंचा रही हूँ, टू बी डैड के साथ, तो ये वाला जो चीज़ है बहुत मेमोरी रह जाती है, लाइक जो बेबी हमारी बड़ी होगी शी विल वॉच दिस ऑल, लाइक कि कौन कौन आया था, तो अच्छा लगता है। उसके बाद क्या हुआ था गाइस कि हम लोगों ने पंडित को बुलाया था, पंडित जी ने हमारी गणेश जी की पूजा कराई थी, क्योंकि ये जो फंक्शन था दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक ब्लेसिंग्स, जो हम लोग भगवान से सबसे पहले मांगते हैं। हम लोगों ने भगवान से मांगा कि जो बची हुई हमारी प्रेगनेंसी है प्लस जो डिलीवरी है बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से हमारी बीत जाए, तो दैट वॉज द मेन पार्ट। तो पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा कराई। उसके बाद गाइज मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने लाइक चावल होते हैं पीला हल्दी लगा के चावल होते हैं वो मेरे लिए जो आँचल है उसमें देते हैं, नारियल देते हैं, फूल देते हैं और मिठाई खिलाते हैं, जितना भी शगुन का आइटम होता है वो सब उन्होंने मुझे चढ़ाया। फिर हमारे यहाँ लाल चुन्नी उड़ाई जाती है, तो मेरी मदर इन लॉ आप देख सकते हो कि वो पूरा मुझे चुन्नी उड़ा रही है, मेरी सिस्टर इन लॉ लगी हुई है वो भी पूरा लाइक सामान निकाल निकाल के मम्मी को दे रही है। फिर मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए कड़े बनवाए थे सोने के, तो उन्होंने मुझे वो गिफ्ट किए एज़ लाइक टू बी मॉम को। और फिर हम लोगों ने फ़ोटोज़ खिंचवाई। ये तो था मम्मी और मतलब मेरे इन लॉज़ का। उसके बाद धीरे धीरे जितने भी हमारे गेस्ट
थे वो धीरे धीरे आके मेरे को मेहंदी लगा रहे थे, शगुन लगा रहे थे, और सब लोग फ़ोटो क्लिक्स करा रहे थे, सब लोग मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे। जैसे लाइक बच्चों का सामान हमारे यहाँ गिफ्ट में नहीं देते, तो इस समय पर जो भी सामान था वो सब मेरे लिए था। लाइक उस नट्स थे, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो थे, जो मुझे हेल्दी करेंगे, मेरे बेबी को हेल्दी करेंगे, वो सारे गिफ्ट्स थे। और इस समय पे मेरे ब्रदर इन लॉ और हस्बैंड फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये बेबी है जो त्रिजी का है, उसकी मौसी है और मौसी के फादर हैं। बहुत सारे गेस्ट थे गाइस, आई एम सो थैंकफुल इतने सारे गेस्ट आए थे। अदरवाइज बहुत तेज़ बारिश थी उस दिन 4th of August को, बट आई एम सो ग्लैड, लाइक आई एम सो ब्लेस्ड कि सब लोग लाइक 99% गेस्ट मेरे फंक्शन में आए थे। उसके बाद गाइस स्टार्ट हुआ लाइक माला एक्सचेंज करने का फंक्शन एंड केक कटिंग का। इस समय पे सब लोग पीछे बैकग्राउंड में गाना गा रहे हैं कि लड़की तुम्हारी कुंवारी रह जाती, क्योंकि हम लोगों की जयमाला हुई थी। और जो गाना था वो सब एक दूसरे को लाइक चढ़ाने के लिए गा रहे थे, मस्ती करने के लिए गा रहे थे। ये सारी मेरी मम्मी की फ्रेंड्स हैं, ये मेरी मामी एंड मौसी है, वो सब हर कोई आया था। लाइक सबको हम लोगों ने इनवाइट किया था। ये जो राहुल है उनकी साली है छोटी, तो आप सब देख सकते हो कि हम सब लोग क्लिकिंग, ये मैं तो बैठ गई थी साइड में लाइक उतर के ऊपर, ये राहुल सबके साथ क्लिक करा रहे थे फ़ोटोज़। ये उनके राहुल के फ्रेंड्स हैं। मम्मी के साथ मम्मी लोग सब लोग मिलके लड़की वाले हो गए थे, तो लड़की वाले उन्होंने लड़के वाले को लाइक राहुल को गले की माला बनाई थी। उसके बाद केक कटिंग का टाइम आया। दिस इज़ माई केक जिसमें ब्लू एंड पिंक कलर का लाइक केक है, लाइक गर्ल्स एंड बॉयज़ का। फ़ोटोज़ तो हमारी खिंचती रही थी थ्रू आउट द लाइक पार्टी। और ये मामू है बीच में खड़े हुए हैं ब्लैक कलर में, एंड ब्लू में भी मामू है, ये मेरा रियल ब्रदर है बीच में। उसके बाद नंबर आया गेम्स खेलने का गाइस। इस समय पे नॉट गेम है कि कौन कितना नॉट लगाता है। जो ये सेकंड गेम है दैट इज़ लाइक कि दूध पिलाने वाला गेम है। ये भी मैं अपने तसली से इफ़ यू वॉन्ट आप देख सकते हो, मैंने सेपरेट वीडियो डाली हुई है। इस समय पर चोटी बनाने वाला गेम है। सब लोग लाइक अपने हस्बैंड की चोटियाँ बनाते हैं रबर से और काउंट करते हैं लास्ट में कि किसने सबसे ज़्यादा चोटी बनाई है। दिस इज़ लाइक वेरी फनी गेम। और उसके बाद फिर हुआ टाइम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें जो विनर्स थे उन सबको लाइक मेरे फादर इन लॉ हैं ये चश्मे वाले, बीच में मेरे फादर हैं, उन लोगों ने लाइक एक दूसरे को एक्सचेंज किया। जो जो जीता था विनर्स बने थे हमारे क्लोज फैमिली मेम्बर्स ने, बाकी रेस्ट ऑफ द लाइक लोगों को गिफ्ट दिया। सब लोगों का गिफ्ट हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया हुआ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आएगा हम लोग ऑलरेडी डिसाइड करे हुए थे। ये जो लाइक सामने जो है ये मम्मी की फ्रेंड है, इन्होंने पूरा एंकरिंग बहुत अच्छे से संभाला था। और हमारे यहाँ शगुन होता है, लाइक जो भी बच्चे आए हुए थे छोटे उनको हम लोग गिफ्ट पैक्स देते हैं, तो हम लोगों ने ऑलरेडी गिफ्ट पैक्स बनाए हुए थे। और आई थिंक 3 बच्चे थे हमारे यहाँ छोटे, तो मैंने सबको जा जा के गिफ्ट पैक दिया था। और जो सबसे छोटा बेबी होता है उसके हमारे यहाँ पैर चूमते हैं, तो ये मेरे मामा का बेटा है, मामा के बेटे का बेटा है, तो उसको मैंने लाइक किस किया था उसके पैर में। ये हमारे देवर देवरानी हैं, तो इन लोगों ने भी खूब फ़ोटो खिंचवाई। और जब ये सब कुछ हमारे रिचुअल्स हो गए, उसके बाद स्टार्ट था हमारा डांसिंग प्रोग्राम, जिसमें सब लोगों ने इतनी धूम मचाई, इतना डांस किया, इतना इन्जॉय किया। लाइक मैं तो दूर साइड में बैठी हुई थी, आई वॉज़ मिसिंग लाइक एवरी बीट आई वॉज़ मिसिंग, बट बाकी सब लोगों ने खूब मस्ती करी, खूब डांस किया एज यू कैन सी इन द पिक्स। और बहुत तेज़ भार बारिश हो रही थी, बट सब लोग स्टिल लाइक दे वर इन्जॉइंग, कोई टेंशन नहीं थी, सब इन्जॉय कर रहे थे। और बस इसी तरह मेरा बेबी शावर हो गया। गाइज ये पूरा जो बेबी शावर है इसको लाइक प्रिपरेशन करने में एटलीस्ट 15 days हम लोगों को लगे, और मैं खुद इन्वॉल्व थी इस चीज़ में पूरा कि कैसे हम लोगों को गेम्स खिलाना है। मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी गेम्स, सब कुछ करती थी। उसमें से जो एक गेम है दैट वाज ऑफ लाइक दूध की जगह लाइक दूध की बॉटल्स होती हैं बेबी की, तो उसमें हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक डाल दी थी और जेंट्स को बिठा दिया था नीचे और लेडीज़ को साइड में ऊपर, और लेडीज़ को बोला था कि आपको अपने जेंट्स को लाइक बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पिलानी है, जिसका सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक फिनिश होगा ही विल बी द। और ऐसे करके हमारा जो बेबी शावर था बहुत अच्छे से हो गया गाइस। दिस इज इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब ऑल्सो इफ यू आर अ न्यू व्यूअर। और गाइस ये सब मेमोरीज होती हैं, तो इट डू सेलिब्रेट लाइक बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है आप लोगों को बेबी शावर अपने लाइक आपकी प्रेगनेंसी का, थ्रू आउट प्रेगनेंसी का। इफ़ यू वॉन्ट ब्लेसिंग्स तो ज़रूर सेलिब्रेट करिए, दिस इज़ वन ऑफ माई टिप। और मेरी प्रेगनेंसी लाइक डिलीवरी जो थी बहुत स्मूथ भी थी आफ्टर बेबी शावर। एंड गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।